हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सीटेट जुलाई 2020 में होने वाली प्राइमरी सीटेट परीक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको यह बताना है जो कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपके सामने ऑप्शन है, पहला शिक्षार्थियों में जागरूकता का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अवगत रखना जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के बाद उनके निराकरण हेतु कौशलों में कुशलता प्राप्त करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना था कि पर्यावरण शिक्षण से संबंधित तो इनमें से कौन सा जो प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा कि शिक्षार्थियों में जंगली जानवरों की जो जानकारी से उन्हें अवगत रखना जिससे कि जो शिक्षण है वो आपका भयमुक्त हो सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है जीवन के समस्त अनुभवों का कुछ भाग परियोजना कार्य में प्रयोग करना, दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सहचार्य विधि द्वारा सीखने को क्षुब्ध करना, फोर्थ है शिक्षार्थियों द्वारा साथियों का सहयोग प्राप्त न करना। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह परियोजना का सिद्धांत है। तो जो शिक्षार्थी जो परियोजना का कार्य स्वयं करके सीखते हैं वह आपका परियोजना सिद्धांत होता है। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा, यानी जो परियोजना होती है वह किसी विषय को व्यावहारिक रूप से समझने में मदद करती है और पर्यावरण शिक्षण में जो आपका परियोजना का सिद्धांत है वह शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना होता है और इससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए और इन विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षियों की उड़ने में सहायता करती है। पहला ऑप्शन है सुडौल शरीर, दूसरा है खोखली हड्डियां, तीसरा है आपके पंख और पर, और फोर्थ है आपका स्थिर रहने वाले और पैर घूमने वाली गर्दन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जो विशेषताएं हैं जो पक्षी को उड़ने में मदद करती हैं या सहायता करती हैं। तो आपके जो सुडौल शरीर उसका पक्षी का सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां और उसके पंख और यानी पर, ये जो चीजें होती हैं, यानी इसमें ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये चीजें जो होती हैं इससे पक्षी उड़ने में इनकी सहायता करती हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी पहचाने जाते हैं, यानी जो कशेरुकी होते हैं उनको किस प्रकार से पहचाना जाता है। पहला ऑप्शन है उनके हृदय में प्रकोष्ठ की मौजूदगी से, दूसरा ऑप्शन है उनके शरीर पर शक्ल की मौजूदगी से, तीसरा है कई अंगों की मौजूदगी से और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने रीढ़ की मौजूदगी से। तो यानी जो कशेरुकी जो होते हैं, यानी जो सभी हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो सभी सभी में जो कशेरुकी होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी होती है और जो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है जानवर की पीठ पर और जो होता है वो हड्डियों का एक कशेरुकी स्तंभ से बना होता है या वह कशेरुकी स्तंभ बना होता है। तो यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, जो कशेरुकी होती है वो किस प्रकार से पहचाने जाते हैं कि वो रीढ़ की मौजूदगी से पहचाने जाते हैं। और जो आपके कशेरुकी में सभी मछलियां, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं वे सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें, यानी आवास के संबंध में चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको अध्ययन करके बताना है क्या सही है। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है।
नेक्स्ट है दो प्रजातियां बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास अस्तित्व में रह सकती हैं। नेक्स्ट है आपका किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। तो यानी इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित जो चारों कथन दे रखे हैं उनमें से आपका जो कौन से पारिस्थितिकीय आवास का सही वर्णन करते हैं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन यानी किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं ये, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कि किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है यानी फोर्थ। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा, जो किसी जात जो आपकी प्रजाति होती है प्रजाति का जो आवास पर्यावास में उसकी कार्यात्मक विशेषता से उसे परिभाषित करते हैं। जैसे आपकी जो कोई भी दो प्रजातियां एक ही आवास में बिना प्रतिस्पर्धा के नहीं रह सकती, और एक जो पर्यावास किसी प्रजाति के लिए केवल एक पता भर होता है, और जहां एक आवास उस प्रजाति के लिए अधिकृत क्षेत्र में की गई क्रियाओं को परिभाषित करता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सॉरी पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, पहला ऑप्शन है चित्र बनाने में, नेक्स्ट है आपका चार्ट बनाने में, नेक्स्ट है पुस्तक में चित्र दिखाने में, नेक्स्ट है किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि जो फ्रेनल बोर्ड होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में, यह आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। थोड़ा सा फ्लैनल बोर्ड के में जान लेते हैं, जो आपका फ्लैनल बोर्ड जो होता है वह रंगीन फ्लैनल कपड़े से तैयार किया जाता है, और जो आपके भाषा की पाठ्य सामग्री जो विभिन्न अंशों में विभाजित करके पढ़ाई जाती है उसको इसके फ्लैनल बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है, पहला ऑप्शन है आपके सामने सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो, दूसरा है सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, थर्ड है सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया जाए, और फोर्थ है सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाया जाए। तो जो विज्ञान अध्यापक कक्षा में अधिगम शिक्षण जो सामग्री का प्रयोग कर रहा है उसमें शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो जो आपकी जो शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वह वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही उत्तर होगा। यानी जो अध्यापन अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको सरल एवं प्रभावकारी रुचिकर बनाने वाले उपकरणों को अधिगम सामग्री कहते हैं, और इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी अधिगम सामग्री है जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी टॉपिक से संबंधित वास्तविक और उस वस्तु से मिलती जुलती हो। इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण है, यानी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आशुचित्र उपकरण है। पहला ऑप्शन है सूखा तेल, प्लास्टिक की फनल, स्प्रिट लैंप या अभिवर्धन हैंड लेंस। तो इसमें आपका जो आशुचित्र उपकरण है वह आपका स्प्रिट लैंप होगी, थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो स्प्रिट लैंप होती है उसे हम एल्कोहल बर्नर के नाम से भी जानते हैं, और जो स्प्रिट लैंप होती है यह आपका एक प्रयोगशाला का उपकरण होता है जिसका उपयोग अग्नि उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम से किया जा सकता है या किया जाता है, और यह एक आपका जो आशुचित्र उपकरण प्रमुख आशुचित्र उपकरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, पानी में, तारपीन तेल में, फॉर्मलिन में या फिर क्लोरोफॉर्म में। तो इसमें जीवों को संग्रह करने के लिए उन्हें परिचित करने के लिए किसमें रखा जाता है, तो इसमें आपके सामने ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। जो फार्मलिन होती है उसमें जीवों को संग्रह करके परिरक्षित करने के लिए फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है, यानी जीवों का संग्रह करके उन्हें परिचित करने के लिए आपकी फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एपिडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यानी एपिडोस्कोप जो यंत्र होता है उस यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने रिकॉर्ड, आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने स्लाइड दिखाने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन फिल्म दिखाने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही उत्तर होगा कि जो एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है वह पुस्तकों में जो चित्र छपे हुए होते हैं उनको दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान जो शिक्षार्थियों के जो पुस्तकें होती हैं उनमें जो चित्र छपे होते हैं उनको दिखाने के लिए आपका एपिडो जो स्कोप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आदमी को यात्रा करने और नए स्थानों पर जाना पसंद है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा पर यात्रा कर रहा हो? यानी इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और चार ऑप्शन में एक स्थिति दे रखी है उसके सामने कि वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा पर यात्रा कर रहा हो तो वह किस जगह पर जा सकता है। पहला ऑप्शन है सिकंदरा का किला, दूसरा है चिल्का झील, थर्ड ऑप्शन है एयरपोर्ट, फोर्थ है आपका मुन्नार। यानी आप अब यहां से कहां जा सकता है? सबसे पहले हम इसमें यह जान लें कि जो आपका औरंगाबाद है वह एक महाराष्ट्र का शहर है और इसके आप सामने आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सिकंदरा का किला, चिल्का झील, एयरपोर्ट और मुन्नार, इनमें से जो आपके औरंगाबाद से पूर्व दिशा की यात्रा पर जाएगा तो उसके सामने चिल्का झील पड़ेगी। यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। यानी जो औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर हो गया और इन चारों ऑप्शन में से जो उसके पूर्व की ओर यात्रा करने पर पड़ेगा वो आपकी चिल्का झील, यानी क्योंकि यह औरंगाबाद से पूर्व में पड़ती है तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, खेतों में मिट्टी में पाए जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। यानी जो खेतों में मिट्टी में केंचुआ जो पाया जाता है वह केंचुआ किसान का मित्र क्यों कहते हैं? पहला ऑप्शन है छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित रखता है, गन्नी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है और फोर्थ है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा कि जो आपका केंचुआ होता है कि जिसे हम किसान मित्र भी कहते हैं वह भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। यानी जो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि केंचुआ जो होता है वह एक महत्वपूर्ण जीव है। इसकी महत्ता हम इस प्रकार से भी पता कर सकते हैं कि इसे प्राकृतिक हलवाहा और किसानों का मित्र कहा जाता है। केंचुआ जो होता है वह आपका जो कार्बनिक कचरा जो होता है उसको लाभकारी पदार्थ में बदलने में यह केंचुआ आपका समर्थ होता है, जिससे कि जो आपकी भूमि होती है वह उर्वर होती है, इसलिए आपके केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। थर्ड ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। यानी जो आपका लंच होने के बाद और पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाना है और उस समय जो छात्र हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे जिससे जो आपके निष्क्रिय छात्र हैं वह दोबारा से सक्रिय हो सके। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5th के बच्चों में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला ऑप्शन है यानी बच्चे एक विद्यालय से 5th क्लास के शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं और उस समय आपकी जो शिक्षार्थी हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? पहला ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद
अभिभावकों से पूछना चाहिए। नेक्स्ट है चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। और फोर्थ है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी जो एक छात्र है उस सभी चीज़ों का शैक्षिक भ्रमण के दौरान अवलोकन करना चाहिए और अवलोकन करते समय जो मन में उसके विचार आ रहे हैं उन टिप्पणियों को दर्ज करना चाहिए और उन विचारों को अपने शिक्षकों तथा अपने बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए जो मित्रगण उसके साथ शैक्षिक भ्रमण पर गए हैं। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं उनको इनमें से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन, इसमें आपका जो शिक्षक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके अंतर्गत आपका जो शिक्षक को ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो शिक्षार्थियों के बाह्य व्यक्तित्व पर उसके ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। और इसमें हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक होता है उसे छात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसे निर्धारित करना चाहिए और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र अपने बाह्य व्यक्तित्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, यानी इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो बड़ी संख्या में होती है लेकिन वे संसार भर केवल भारत में वाई हिस्से में पाई जाती है, यह पौधों की कौन सी प्रजाति है, विलुप्त प्राय, जोखिमपूर्ण, स्थानीय, विदेशी। यानी एक संसार की कोई भी एक प्रजाति है एक्स नाम की जो बड़ी संख्या में होती है लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ संसार में केवल भारत में वाई हिस्से में पाई जाती है, तो इस प्रकार की जो वनस्पति है यानी जो पौधा है वो किस प्रकार की प्रजाति है। पहला विलुप्त प्राय, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने स्थानीय, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय, जोखिमपूर्ण या विदेशी। तो आपकी अगर कोई प्रजाति, पौधों की प्रजाति या वनस्पति की प्रजाति किसी विशेष हिस्से में पाई जाती है तो उसे हम स्थानीय प्रजाति कहते हैं, यानी एक प्रजाति जो संसार में केवल किसी एक विशेष हिस्से में या विशेष स्थान पर पाई जाती है उसे स्थानीय प्रजाति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा कि जो आपकी बर्फ होगी तो उसमें जब हम उनके टुकड़ों को आपस में दबाएंगे तो वे टुकड़े एक साथ चिपक जाते हैं, यानी दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वह गलनांक घट जाता है। पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के कारण बताता है। पहला ऑप्शन है आगे की खेती वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए, मिट्टी का ढेला बनने से रोकने के लिए। यानी जो एक किसान है वह दो फसलों के बीच में अपनी खेती को जोतता है यानी जुताई करता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसमें से आपको चारों में से ऑप्शन बताने हैं कि कौन कौन से उत्तर सही हैं। तो इसमें आपका जो
एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो खेती जो आगे वाली जो फसल करेगा उसकी खेती के लिए उसी मिट्टी को मुलायम रखने के लिए, ढीला रखने के लिए, और एक ऑप्शन जो आपका है कि मिट्टी की सरअंध्रता बढ़ाए रखने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला इसमें सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 18th का, कि पहला व दूसरा कि जो आपका मिट्टी को ढीला बनाने के लिए और मिट्टी की सरंध्रता को बढ़ाने के लिए, यानी जो दो दो फसलों के बीच में जो अंतराल होता है वो उसके दौरान अगर जुताई की जाती है तो इससे जो मिट्टी की सरंध्रता बढ़ती है और मिट्टी की नमी भी बरकरार रहती है और मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है। इसके साथ साथ यह आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने में मदद करता है और इसका सबसे में जो महत्वपूर्ण फायदा होता है वह पौधों के विकास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा कि जो मछलियां हैं जैसे ही हम उनको पानी से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकलने के बाद वो अपने सांस नहीं ले पाती और वह मर जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर होगा। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल 30 को, दूसरा ऑप्शन है श्रावण शुक्ल 30 को, तीसरा ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसमें जो आपका गणगौर का जो त्योहार है वह राजस्थान का प्रमुख त्योहार है और यह आपका चैत्र शुक्ल 30 को मनाया जाता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यानी कि 21वां क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो जो आपके खाना बनाने के लिए जो गैस या बायोगैस जो यूज की जाती है वह क्या है, तो वह आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा कि यह आपकी मैथेन है और जो मैथेन होती है वह आपकी जो आपके जानवरों पेड़ पौधे से प्राप्त जो व्यय पदार्थ यानी व्यर्थ यानी जिनका कोई उपयोग नहीं किया जाता उनके द्वारा जो जल की उपस्थिति में आसानी से सड़ जाते हैं और इस प्रक्रिया में आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें निकलती हैं। किस अवस्था के दौरान, जब आपके जो जानवर होते हैं पेड़ पौधों का व्यर्थ जो सामान या सूक्ष्म और इसको जल के साथ इसमें जो सड़ जाते हैं उसके दौरान आपकी जो कुछ गैसें निकलती हैं और इस गैसों के जो मिश्रण होता है उसको ही हम बायोगैस कहते हैं और इस बायोगैस में आपका लगभग 65% आपकी मीथेन होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल की रेडिएटर्स एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, इस मिश्रण में क्या क्या होता है। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है पानी और एथिल एल्कोहल, नेक्स्ट है आपका पानी और ग्लिसरॉल, पानी और एथिल ग्लाइकोल, फोर्थ है आपका पानी और मेथिल एल्कोहल। यानी जो शीत प्रधान जो देशों होते हैं ऑटोमोबाइल्स की रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि जो आपका ऑटोमोबाइल जो होते हैं आपके उनमें जिससे जो आपकी फ्यूल होता है वो जमे ना, उसके लिए एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस मिश्रण में क्या क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही उत्तर होगा, पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। यानी जो अधिक ठंडी प्रदेश में जो गाड़ियों को स्टार्ट होने में जो समस्या होती है और उसके जो रेडिएटर्स होती है बर्फ की वजह से उनमें खराबी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उससे बचने के लिए इन प्रकार के प्रदेशों में जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार के मिश्रण में आपका जल और एथिलीन ग्लाइकोल पाई जाती है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर आपका 23, गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंधी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि ईस्ट कोमल है जो आटे को कोमल बनाता है,
उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। नेक्स्ट है आपका ईस्ट प्रोटीन का क्षय कर देता है। और फोर्थ है ईस्ट एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि जो उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह रोटी को स्पंजी बना देती है, यानी जो ईस्ट होता है वह आपका शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। इसमें आपकी जो शर्करा जो होती है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक विशेष प्रकार का कवक होता है। आपका यह जो होता है वह यह शरीर मूल तना पत्ती से विभक्त नहीं है, और जो इसको गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से जो आपकी डबल रोटी होती है वह रंध्री कोमल हो जाती है, क्योंकि इससे उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे जो आपकी रोटी है वह स्पंजी बनती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए चार तथ्य बताता है। पहला कि नींबू संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, इसकी शरीर से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, यह शरीर को संक्रमण में लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और लास्ट है आपका, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो चार तथ्य बताए गए हैं उनमें से आपके कौन सी जानकारियां जो आपके राम का साथी है उसके द्वारा सही बताई गई हैं। तो इससे शरीर में रतौंधी, तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाता है कि जो आपका विटामिन सी की कमी से, यह तो सही ऑप्शन होगा कि जो नींबू संतरा आदि जो आंवले होते हैं इनमें आपका विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह आपका स्कर्वी भी होता है, न कि रतौंधी। और इसमें लास्ट में जो आपका ऑप्शन है कि यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट है, यह दांतों मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक है, यह भी आपका ऑप्शन सही उत्तर है। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और फोर्थ, यानी आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा कि जो आपकी विटामिन सी जो होती है वह खट्टे फलों नींबू संतरे आंवले में पाई जाती है, और इसकी कमी से आपका रतौंधी न होकर वह स्कर्वी रोग होता है। यह दांतों मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है तथा यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की भी आपकी शक्ति प्रदान करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। नेक्स्ट है आपका, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पर प्रगति पत्र में दर्ज करना। नेक्स्ट है आपका, अर्धवार्षिक और वार्षिक के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो यानी जो प्राथमिक स्तर पर जो आकलन में शामिल होना चाहिए वह क्या शामिल होना चाहिए। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी जो आपका प्राथमिक स्तर पर जो मूल्यांकन होता है वो औपचारिक मूल्यांकन नहीं होना चाहिए, और इसके अंतर्गत शिक्षकों और बच्चों को सतत और असंरचनात्मक तरीके से अवलोकन कर जो आपके परिणाम आते हैं उनको बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सामग्री क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को विद्यालय से छोड़ने से बचाना, विद्यार्थियों को उन्नतशील विद्यालयी वातावरण प्रदान करना, विद्यार्थी अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, और नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों को के विकास को संवर्धित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा कि विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, यानी जो पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य आपका जो विकास है उसको संवर्धित करना होता है। इसके प्रयोग से बालकों में विविध प्रकार की क्रियाएं करने के अवसर मिलते हैं इनको, और साथ ही कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल और प्रयोग निर्देशन की किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है आपके सामने बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का पैना करने के लिए। नेक्स्ट है आपका उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 था इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे हैं उनको सीखने को योग्य बनाने और उनके अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। यानी जो पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वह आपका इस योग्य बनाना होता है ताकि वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण मूल्यांकन कर सकें और निष्कर्ष निकाल सकें। साथ ही बच्चों को स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाना और अवलोकन को पैना करने के लिए आपका जो सरल और प्रयोग निर्देशन किए जा सकते हैं। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। पहला दत्त कार्य, तो इसमें पहला ऑप्शन है दत्त कार्य अभिभावकों भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कार्य कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। थर्ड है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। फोर्थ है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा कि जो दत्त कार्य होता है वो बच्चों को सूचना को खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों को अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और फोर्थ ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो जब प्राथमिक विद्यालय में आपका जो पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है वह विद्यार्थियों को यानी विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यानी जो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वह पर्यावरण जो समस्याएं होती हैं उनकी जटिलता को समझना, उनका समस्या समाधान करना और उन पर चिंतन का विकास करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला उत्तर सही ऑप्शन होगा कि जो आपके विद्यालय में जो बच्चे हैं उनके अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आज का अंतिम प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। पहला पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदूषण को रोकना। थर्ड है पर्यावरण के संकट को पहचानना। फोर्थ है पर्यावरण तकनीकी का विकास। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा कि पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। और इसको हम समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ है वह पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना है। सही अर्थों में पर्यावरण शिक्षा एक साहसी जो क्रिया होती है जो एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाती है जहां एक शिक्षा और आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकें और इससे जो आपका विकास होगा वह विकास सतत विकास होगा और उसके हम उसकी तरफ हम आगे अग्रसर हो सकेंगे। तो फ्रेंड्स यह थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 450 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत इसका पहला पार्ट था। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।